कत्ल ए इंसानियत, कत्ल ए मासूम, मजहब ए अमन का ये कैसा है कानून। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या होमोसेक्सुअलिटी गलत है और किस तरह इस्लाम में होमोसेक्सुअल लोगों को मौत की सजा है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता एक ऐसा नेचुरल बिहेवियर जिसमें नर मादा का अट्रैक्शन ना होकर नर नर का अट्रैक्शन होता है और मादा मादा का अट्रैक्शन होता है। क्या ये गलत है? चलिए समझते हैं। इस्लाम इसे गलत मानता है और मोहम्मद साहब को लगता था कि ये लोगों की खुद की चॉइस है और ये वो पापी लोग होते हैं जो अपोजिट सेक्स से मन भर जाने पर ये अमल करने लगते हैं। समलैंगिकता के ताल्लुक से इस्लाम का जो नज़रिया है वो नबी लूत के टाइम से शुरू होता है। लूत की कहानी कुछ और नहीं, बस बाकी कहानियों की तरह बाइबल से चुराई गई एक कहानी है, जिसमें लूत की कौम हम जिस्म प्रस्त थी, यानी जहां मर्द मर्द के साथ और औरत बाकी औरतों के साथ सोहबत करते थे। कहा जाता है कि लूत ने अपनी कौम को बहुत समझाया मगर वो बाज नहीं आए। एक रोज़ लूत के पास उससे मिलने फरिश्ते आए मगर लूत की कौम ने उन फरिश्तों के साथ बदतमीजी की और अगले रोज़ अल्लाह के कहने पर लूत अपनी बस्ती से दूर चला गया और इसकी कौम के ऊपर अल्लाह ने पत्थरों से हमला किया और लूत और उसकी बेटी के अलावा सभी बस्ती वाले हलाक हो गए। ये वो कहानी है जिसकी बिना पर होमोसेक्सुअलिटी को इस्लाम में गलत करार दिया जाता है। हालांकि यहूदियों और ईसाइयों से चुराई गई ये स्टोरी अब भी उनके यहाँ पर सीरियसली नहीं ली जाती। आप समझते हैं कि लोगों में ये बिहेवियर क्यों होता है। दरअसल ये कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि अब तक इस पर जितनी रिसर्च हुई हैं उससे पता चलता है कि ये पूरी तरह नेचुरल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों में जेंडर डिसाइड होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम से। एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल और एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब मेल। एक कंडीशन होती है AIS, जिसके बाद बेबी जेनेटिकली एक्स वाई क्रोमोसोम से ताल्लुक रखने के बाद भी फीमेल हो सकता है। इस बेबी के जेंडर पार्ट्स मेल वाले होंगे पर यह होगा एक फीमेल और उसका अट्रैक्शन भी मेल की तरफ ही होगा। ऐसी ही कंडीशन फीमेल चाइल्ड के लिए भी बन सकती है, जिसे हम CAH कहते हैं। इंसानों में 2-10% के बीच लोग होमोसेक्सुअल होते हैं बिना अपनी मर्जी के, और इंसान ही नहीं बल्कि 450 से भी ज़्यादा दूसरी प्रजातियों में भी ये बिहेवियर देखा गया है। कुछ साइंटिस्ट तो इसे इवोल्यूशन का हिस्सा भी मानते हैं और कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे होमोसेक्सुअल जोड़ों ने अपने भाई बहनों के बच्चों को पालने में मदद की। इससे पता चलता है कि होमोसेक्सुअल लोग पूरी तरह से नेचुरल और इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह, और जब वो भी हमारी तरह नेचर की देन है तो उनको भी उनके हक मिलने चाहिए। दुनिया के सभी जानवरों ने इसे एक्सेप्ट किया और इसे ज़िंदगी का हिस्सा माना, क्योंकि उनके यहाँ मज़हब नाम की चीज़ नहीं होती। लेकिन इंसानों ने इन लोगों पर बहुत जुल्म किए, सिर्फ अपने मज़हबों की लिखी बकवास बातों को सच्चा साबित करने के लिए। आज से 100 साल पहले तक लगभग पूरी दुनिया में ये बैन था, मगर साइंस की तरक्की के बाद जब जान लिया गया कि ये नेचुरल है तो बहुत सारे देशों ने इंसानियत की खातिर इस पर से बैन हटा दिया। मगर बहुत सारे देश, या कहें तो इस्लामिक देश, आज भी ऐसे हैं जहां इन लोगों की सज़ा सजाए मौत है। इस्लाम में हम जिंसी होना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे किसी का खून करना या किसी का रेप करने पर मौत की सज़ा होती है, वैसे ही इस्लाम में हम जिंस परस्तों को भी मौत की सज़ा दी जाती है। उन्हें रजम करके यानी ज़मीन में आधा गाड़कर पत्थरों से मारने की सज़ा या कोड़ों से मारने की सज़ा या उन्हें सीधा छत से फेंक देने की सज़ा दी जाती है, क्योंकि इसके ताल्लुक से हदीसों में ये आया है। अबू दाऊद 4462, रसूल ने फरमाया, जिसे कौम लूत का अमल करते हुए पाओ तो करने वाले और जिसके साथ किया गया दोनों को कत्ल कर दो। ये वो कंट्रीज़ की लिस्ट है जहां होमोसेक्सुअल होना क्राइम है।
और अगर आप इस्लामिक कंट्री में हैं तब तो इस काम को करने की सज़ा सज़ाए मौत है। कितनी ताज्जुब की बात है कि मज़हब इस्लाम, जिसमें दावा किया जाता है कि ये इंसानी फितरती मज़हब है, उसी मज़हब में हमें हर अमल सिर्फ गैर फितराती ही मिलते हैं। जैसे इस्लाम में मर्दों को एक से ज़्यादा बल्कि चार चार शादियाँ करने की इजाज़त है मगर औरतों को नहीं। इस्लाम में मर्दों को ही तलाक देने की इजाज़त है, औरतों को नहीं। और तो और किसी औरत को गुलाम बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना भी जायज़ है। यहाँ तक इस्लाम में औरत से शादी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप छोटी बच्चियाँ जो मेंटली मैच्योर नहीं हैं उनसे भी शादी कर सकते हैं। मगर आप गलती से भी होमोसेक्सुअल पैदा हो गए हैं तो आपके लिए किसी दूसरे होमोसेक्सुअल के साथ रहना जायज़ नहीं है, जिसके लिए आपको मौत की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो भी तड़प तड़प कर, बावजूद इसके कि कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से होमोसेक्सुअल नहीं होता। अगर अल्लाह ने ही किसी को इस तरह से पैदा किया है तो इसमें अल्लाह की ही गलती है, ना कि उस शख्स की जिसको इस तरह बनाया गया हो। ये सारे रोक टोक केवल आम लोगों के लिए। हमारे नबी ने तो ऐसे ऐसे अननेचुरल काम किए हैं जिन्हें सुनकर ही उल्टी आ जाए। सही बुखारी 152, रसूल बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाते थे तो अपने साथ एक और शख्स को ले जाते थे जो अपने साथ पानी का बर्तन ले जाता था और नबी को तहारत करवाता था। इसके अलावा कुछ हदीसों से पता चलता है कि हमारे नबी को बच्चों के मुंह को चूमने या यूं कहें तो चूसने की आदत थी। नबी करीम के बुलाने पर हसन दौड़ता हुआ आया और उनकी गोद में कूद गया। फिर रसूल ने इनका मुंह खोला और अपनी जीभ इसके मुंह में डाल दी। मुआविया ने कहा कि मैंने नबी करीम को अली के बेटे हसन के होठों को और उसकी ज़बान को चूसते हुए देखा। ऐसा नहीं है कि ये अमल सिर्फ हसन के साथ करते थे क्योंकि वो उनका नवासा था, बल्कि मोहम्मद साहब हर बच्चे के साथ यही करते थे। और एक हदीस से पता चलता है कि लोग नबी से शिकायत भी करते थे कि वो उनके बच्चों को ना चूमें, जो कि इस हदीस से पता चलता है। इसके अलावा एक और इतनी गंदी हदीस मिलती है कि अगर मैंने इस हदीस को पढ़ दिया तो YouTube मेरी वीडियो पर एज रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो हदीस का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। ये सिर्फ चंद हदीसें थीं, ऐसी और भी बहुत सारी हदीस मौजूद हैं। आज़ाद ख्याल बनिए और इस्लाम नाम की गंदगी से अपने बच्चों को बचाएं। सभी से गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा मिशन इंसानियत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और हम जल्द से जल्द एक इंसानियत और साइंस की दुनिया की नींव रख पाएं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगली वीडियो 40वीं वीडियो होगी, जो कि एक Q&A वीडियो होगी, यानी आपके सवाल और मेरे जवाब सीरीज़ का 4th एपिसोड। Q&A का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि एक से ज़्यादा और रिपीटेड सवाल ना पूछें और Q&A लिंक पर ही जाकर सवाल पूछें, वीडियो के कमेंट में नहीं। लास्ट Q&A को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।